दोस्तों आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज झारखंड और मैं हूं पप्पू यादव भारती। आज हम बात कर रहे हैं सांसद निशिकांत दुबे और देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहता है, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, दोनों में वाद विवाद होते रहता है। लेकिन इन सब के बाद जब देवघर एयरपोर्ट का मामला आया, दोनों में वाद विवाद हुआ और उसके बाद सांसद के ऊपर FIR हुआ, फिर निशिकांत दुबे ने दिल्ली में भी उपायुक्त के ऊपर FIR किया है। हालांकि उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, चूँकि सांसद निशिकांत दुबे ने ही ट्वीट किया था और वो ट्वीट अभी है कि नहीं ये भी नहीं देखे हैं, चूँकि सांसद कई बार ट्वीट करते हैं और डिलीट भी कर देते हैं, तो ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन देवघर में DC शक है, उसके द्वारा आवेदन दिया गया था और 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ था, जिसके बाद एक फ़ोटो वायरल हो रहा है। आज हम उसी फ़ोटो के बारे में बात कर रहे हैं। सांसद किसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उसके जस्ट सामने नीचे ज़मीन पर एक वृद्ध महिला और एक दो बच्चे बैठे हुए हैं। वहीं मंजूनाथ भजंत्री का एक फ़ोटो लगाया गया है, जिसमें वो नीचे बैठ करके बुज़ुर्ग महिला पुरुष हैं, पंक्ति में बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। किसी गांव का वो फ़ोटो लग रहा है। तो सांसद का वो फ़ोटो कब का है, इसके बारे में डिटेल्स कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बहुत आजकल फ़ोटोशॉप का भी ज़माना है, लोग फ़ोटोशॉप भी के माध्यम से भी इस तरह के काम करते हैं। लेकिन जो हमें हासिल हुआ है देवघर उपायुक्त के फ़ोटो के बारे में, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देवघर उपायुक्त ने टॉक टू DC नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत किया है, जिसमें लोगों की समस्या को सुनते हैं, सीधे ऑनलाइन के माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं, उसके बाद लोगों की समस्या को सुनते हैं। और टॉक टू DC में बहुत तरह की ऐसी समस्याएँ, पेंशन से रिलेटेड बहुत घरेलू प्रताड़ना जैसी वाद विवाद होता था, लोग थाने में आवेदन देते थे तो थाने में आवेदन नहीं लेते थे, ब्लॉक में कोई किसी का सुनता नहीं था, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के टॉक टू DC नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से लोग जुड़ते हैं और DC के समक्ष अपनी समस्या को रखते हैं। तो इस जो समस्या टॉक टू DC में रखा जाता था, उसे उस पर अमल नहीं होता था और अधिकारी उसे सुनते नहीं थे, जिसको लेकर के देवघर उपायुक्त ने मंजूनाथ भजंत्री ने एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें वो साथ में जाते हैं, ग्रामीणों के साथ खाना खाते हैं और लोगों की समस्या को भी सुनते हैं। और टॉक टू DC में जो मामला उठाया जाता है उसमें अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई उसे भी जानते हैं। उसका नाम दिया गया है DC विथ डिनर, यानी DC लोगों के साथ डिनर में शामिल होंगे। और यह कार्यक्रम की शुरुआत पिछले सप्ताह हुआ था, देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड से हुआ था, वहाँ एक गाँव में इसकी शुरुआत की गई थी। और कल सारवा में, देवघर जिले के सारवा प्रखंड में इसका दूसरा कार्यक्रम था, जहां पर लोगों के साथ बैठ करके उन्होंने खाना भी खाया, लोगों की समस्या को भी सुना। तो वही फ़ोटो को लगा करके आज सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल कर रहे हैं। और दोनों के समर्थक, देवघर उपायुक्त के समर्थन में भी बहुत सारे लोग आ गए हैं और सांसद के जो समर्थक हैं, चूँकि राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, उनके सांसद हैं तभी हैं, तो उनके भी बहुत सारे समर्थक हैं। तो दोनों में वाद विवाद हो रहा है, तो सांसद का फ़ोटो कब का है और किस परिस्थिति में वो कुर्सी पर बैठे थे और लोग नीचे बैठे थे, मैं ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फ़ोटो कब का है। देवघर उपायुक्त का जो फ़ोटो है वो तो कंफर्म है, उसका वीडियो भी हम आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से देवघर उपायुक्त जो हैं वो बैठ करके लोगों की समस्या को सुन रहे हैं, उसके बाद फिर लोगों के साथ खाना भी खा रहे हैं।